हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, ये एक बोनस रीडिंग मैं आपको दे रही हूँ। ये पिकअप आइल रीडिंग नहीं है। हम सिर्फ ये जानेंगे यहाँ पर कि कौन सी तीन चीज़ें हैं जो आप 2022 में छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये किसी ने रिक्वेस्ट किया था फ्रेंड्स, आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई डिफरेंट तरह की रीडिंग चाहते हैं, कोई डिफरेंट टॉपिक पर चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने रिक्वेस्ट आप मुझे भेज सकते हैं। और आज देखते हैं, यू नो, तीन चीज़ें जो आप 2022 में छोड़ रहे हैं, और हो सकता है तीनों आपके साथ रेजोनेट करे, और ये भी हो सकता है कि कोई एक आपके साथ रेजोनेट करे। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट करे उसे ले लें और बाकी का जाने दें। तो हम देखेंगे, लेकिन ये पिकअप आइल रीडिंग नहीं है फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, और इसमें हम ये तीन चीज़ें देखने वाले हैं जो पीछे छूट रही है। तो सबसे पहली चीज़ जो छूट रही है फ्रेंड्स, वो है आपकी कमज़ोरी। यू नो, अगर आपने कभी अपने लिए सोचा नहीं, अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, और ख़ुद को वो प्यार, वो स्ट्रेंथ नहीं दिया है, तो वो पीछे छूट रहा है। अब आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं, और अब जो अधूरे काम जो आपने इस वजह से पूरे नहीं किए क्योंकि आपके अंदर वो ताकत, वो हिम्मत नहीं थी, आपने कुछ काम को अधूरा छोड़ दिया होगा, कुछ चीज़ों को अधूरा छोड़ दिया होगा, या फिर आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए आपके पास कोई ना कोई कमी रही होगी। तो ये सारे अधूरे काम जो हैं आप आने वाले साल में पूरे करेंगे, क्योंकि अब आपके पास वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, और आप उस कमज़ोरी को, उस वीकनेस को आप पीछे छोड़ रहे हैं। तो आप बहुत सारे चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, आपकी जो भी लैक थी आपकी ज़िंदगी में उस पर आप वर्क करेंगे। तो जो भी मेरे रीडिंग्स को इस वक्त देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप बहुत न्यू स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत स्ट्रांग, पहले से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अपने आप को फील करने वाले हैं। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ हमें ये दिख रहा है कि जैसे आप बहुत एक कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़े, कुछ अधूरे काम आप कंप्लीट करने वाले हैं, और वक्त जो है, वक्त का पहिया जो बदलेगा, ये आपको कंप्लीशंस की तरफ लेकर जाएगा, और आप ज़्यादा फुलफिलमेंट की तरफ अब आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप जब कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जब आपके अंदर वो भरोसा होता है खुद पर और डिवाइन पर, तब आपके काम जो हैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ देखते हैं जो हम पीछे छोड़ रहे हैं। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है फ्रेंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ ऐसे काम शायद आपने शुरू किया लेकिन उसको बढ़ाया नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे काम जो 2022 में आपने स्टार्ट किया, या फिर हो सकता है आपने सोचा शुरू करने का लेकिन आपने उसको बढ़ाया नहीं, और ये भी हो सकता है कि कुछ नया ऑफर आते आते रह गया आपके पास। तो ये सारी चीज़ें जो है आप पीछे छूट रही हैं। ये जो ऑफ़र आपके पास आएगा और आपका काम जो है अब बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ा पाएंगे 2023 में, आप अपने काम को और ज़्यादा ग्रो करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, अपने सक्सेस को और ज़्यादा महसूस करने वाले हैं आप। हो सकता है यहाँ पर आपका जैसे दिख रहा है बहुत लोगों का, जैसे ऑनलाइन वर्क बहुत चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एवरी कॉर्नर से जैसे आपको सक्सेस आती हुई दिख रही है यहाँ पे। एंड डेफिनेटली जो ऐसा काम आप शुरू करना चाहते थे और आपने नहीं किया, या कोई किसी को ऑफ़र देते देते आप रह गए, या कोई आपके पास ऑफ़र आते आते चूक गया, तो हो सकता है वो काम आपका जो है आने वाले साल में शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त जो ये आधी अधूरी एनर्जीज़ को आप पीछे छोड़ रहे हैं फ्रेंड्स, कोई जो जहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिली, तो आप अपने फेलियर्स को पीछे छोड़ रहे हैं यहाँ पर, और आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं, आप अब नए गोल्स बनाएंगे, लाइफ में कुछ नए इंटेंशंस को सेट करेंगे, अपनी ज़िंदगी को एक न्यू डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, और नए गोल्स पर अब आप फोकस करेंगे। हो सकता है आप
आपका नज़रिया थोड़ा सा बदल जाए काम को करने का, और जिस तरीके से आप काम करते थे उसको आप चेंज कर देंगे। एंड आप बहुत फोकस्ड भी रहने वाले हैं अपने काम के ऊपर। अगर आपने 2022 में आपका फोकस डिस्टर्ब हो गया था, यू नो, कुछ डिस्ट्रैक्शंस थे आपकी लाइफ में, कुछ नेगेटिव चीज़ों ने आपकी लाइफ को इम्पैक्ट किया था, तो अब वो पीछे छूट रहा है। और देखते हैं हम क्या चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं 2022 में। वाओ फ्रेंड्स, आप इन डिसीशन को पीछे छोड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आप डिसाइड ही नहीं कर पाए। देखिए, ये कनेक्टेड है हमारे जो फर्स्ट एंड सेकंड ये से रीजंस, चीज़ों से जो आप पीछे छोड़ रहे हैं, कि अधूरे काम, यू नो, आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेना, या अपने आप को कमज़ोर समझना, अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं समझना। तो इन चीज़ों की वजह से जो डिसीशंस आप नहीं ले पाए, यू नो, कुछ चीज़ें आपने वेटिंग में रख दी, कुछ चीज़ें आपने स्टैंड बाई रख दी कि ये बाद में करेंगे, यू नो, कुछ ऐसा हो जाएगा उसके बाद करेंगे, तो इस तरह की एनर्जीज़ को आप पीछे छोड़ रहे हैं, डाउट्स एंड फियर्स को पीछे छोड़ रहे हैं, आप उस इंतज़ार को आप पीछे छोड़ रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली आप डिसीशंस लेंगे। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि अगर आप कहीं जाना चाहते थे और नहीं गए, या किसी से मिलना चाहते थे नहीं मिल पाए, तो अब उस को भी, उस डिसीशन को भी अब आप आगे लेंगे। और 2022 में आपके जो ये कंफ्यूज्ड माइंड जो रहा है आपका, काफ़ी कंफ्यूजन्स रहे हैं आपको, तो वो क्लैरिटी में बदल रहे हैं। तो अगर आप मेरी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, आप मेरी रीडिंग्स के साथ रेजोनेट करते हैं, तो आप इन चीज़ों को 2022 में पीछे छोड़ रहे हैं और डेफिनेटली एक बहुत ही इम्प्रूव्ड लाइफ की तरफ, यू नो, जैसे बहुत ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ, और डेफिनेटली क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये हर बार एक कदम आगे बढ़ते हैं आप, तो सोच लीजिए कि हर एक चीज़ को आप लर्निंग की तरह लीजिए, और जब भी आप आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे लेते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी सक्सेस की तरफ, लाइट की तरफ, आप एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो दैट वॉज ऑल फॉर यू फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।